है और ये बनाया हुआ है स्विमिंग पूल। आए हाय, ये टमाटर लगा हुआ है। अच्छा ये टमाटर है, टमाटर दिखाएं भाई। ओ भाई ये चेक करें, छोटे छोटे से टमाटर अभी कच्चे हैं ये, है ना। ये बना हुआ है बेडरूम, ये आप चेक करें, डबल बेड लगाया हुआ है। और जो आपको नजर आ रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे इस पहाड़ के अंदर से जो है ना लावा निकला है। खवातीन हजरात कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिखाया मेरी किसी भी वीडियोस पे, 70-80-90 हद से 200 व्यूज आ जाते हैं, लेकिन इस वीडियो पे आपने पूरे 1200 व्यूज दिलाए यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आज का सीन ये है कि भाई आज था जुम्मा मुबारक का दिन, बहुत ही बाबरकत दिन है, तो मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ के अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस पे, बहुत ही जबरदस्त जगह है, वहां पर चल के आपसे मिलते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चलते हैं फार्म हाउस पे मिलते हैं। तो भाई चलते हैं फटाफट से, हमारे सारे दोस्त यार जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं हमारा। ये रही ये बाइक, ये सर्विस वर्विस करवाई थी, देखें माशाल्लाह से चमक के कितनी खूबसूरत लग रही है। वाओ ब्यूटीफुल। तो अभी निकलते हैं फटाफट से, एक हादसा आज आपका भाई ड्राइविंग करेगा। सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है ना भाई, यही तो फायदा है इसका, हल्का सा आगे करके आपका भाई इसको जो है वो स्टार्ट कर लेगा। हम लोग निकल चुके हैं फार्म हाउस के लिए और ये आप देख सकते हैं हम लोग इतनी सारी बाइकों पे जा रहे हैं, 8 बाइक है और 16 बंदे, ये देख सकते हैं आप लोग। ये कौन सा इलाका लगता है नितिन भाई? ये जी हवागोट का इलाका है। हाँ भाई हवागोट का इलाका है, यहाँ कोई आबादी नहीं है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, कचरा कुंडी है, आप देख सकते हैं। तो सामने आपको नजर आ रहा होगा वो कचरा कुंडी है पूरी, वो देखें। तो अभी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वाला सिलसिला हो रहा है, खड्डे जम बहुत है यहाँ पर, आगे अच्छा रोड आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं इतनी सारी हमारी बाइकें जा रही हैं वो सामने, ये देखें भाई। अभी हम लोग का फार्म हाउस का प्रोग्राम है, फार्म हाउस पे चल के आपको दिखा देंगे वहाँ का क्या सीन है भाई, वहाँ क्या सेटअप है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं गया, ये हमारे घर के पीछे पड़ता है लेकिन मैं कभी जिंदगी में नहीं गया। बचपन में एक दफ़ा गया था जो मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि गया था। तो अभी इस इलाके को भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। तो आप देख सकते हैं जो टैंकर आ रहे हैं ना कराची में, जो टैंकर की सप्लाई होती है वो यहीं से होती है, पीछे शाकरान वगैरह की साइड से, वहाँ पर पानी की हेडिंग वगैरह है भाई। ये सीन आए माए का पसीना आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये लग रहा ही नहीं है कि हम लोग इस वक्त कराची में मौजूद हैं। दोनों तरफ हरियाली और ये जानवर वगैरह यहाँ पर घूम रहे हैं, देखें भाई। ये जा रही है आपकी भाई की बाइक, देखें भाई ये बाइक सही है ऑफ रोडिंग के लिए, बाकी इन बाइकों में तो बड़े खड्डे जम लग रहे हैं। ये वाली बाइक जो है ना इस पर पता ही नहीं चलता खड्डा गुड्डी में, देखें बिल्कुल बंदे दोनों बंदे रिलैक्स होके बैठे हैं भाई। वो सामने देखें हम आप, वो गोल पहाड़ी के नाम से बड़ा मशहूर है और ये जो आपको नजर आ रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे इस पहाड़ के अंदर से जो है ना लावा निकला है। अब ये लावा निकला है या ये कुदरती ऐसी है, अल्लाह की कुदरत है। तो भाई सुनने में तो ये आता है कि भाई यहाँ से लावा निकलता था, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस जगह पे लावा होगा क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ये देखें भाई। और ये ऊपर बड़े बड़े हाई टेंशन के तार कराची से जो बलूचिस्तान की तरफ जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जा रहा है इन बड़े बड़े पोलों के जरिए, बड़े बड़े तकरीबन एक पोल 1 किलोमीटर के फासले पे लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक वो बिल्कुल आगे आगे 1 किलोमीटर के फासले पे लगा हुआ है और बहुत ही हाई वोल्टेज जिसके अंदर करंट है भाई, ये चेक करें आप। तो ये कोई बस्ती शुरू हुई है अभी, ये इस बस्ती का क्या नाम है भाई? ये मेरे ख्याल अल्ताफ नगर लगता है जी, ये अल्ताफ नगर यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा पूरा अल्ताफ नगर का इलाका है, जितना आगे जाओगे आबादी बहुत ज्यादा है, 12,000 नई प्लाटें हो रही है यहाँ पे। हमारे नदीम भाई जो है ना यहाँ पर आ चुके हैं, इनको इन सब जगह के बारे में मालूम है तो ये भी आपको बताते रहेंगे, जो मुझे पता नहीं होगा आपको ये बताएंगे। बाकी आप तो देख ही रहे हैं जो आपके सामने है भैया, देखो पहाड़ कटिंग हुआ है, लोगों घर बने हुए, घर बने हुए लेकिन आबादी यहाँ पर ना बहुत कम है, क्योंकि सुनने में आता था कि पहले ज़माने में आबादी थी, जब कराची में पठान महाजिर का झगड़ा हुआ था तो ये सब जगह जो है ना खाली करा दी गई थी, लेकिन उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें आबादी दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो आपको एक बात और बताते चले, ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल कच्चा इलाका है, चारों तरफ झाड़ियाँ वाड़ी है, लेकिन यहाँ पर ये सहूलत नदीम भाई हमारे बता रहे हैं कि यहाँ पर 24 घंटे पानी आता है और मीठा पानी आता है भाई, 24 घंटे पानी की सहूलत है और बिजली का जो वोल्टेज सिस्टम है यहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े पोल यहाँ पर लगे हुए हैं,
हमारे इलाके में बिजली के वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे 220 वाट आप डायरेक्ट एसी आप चला सकते हैं। ये बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पर पानी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पानी की सहूलत मौजूद है यार। बिजली खैर ना भी हो लेकिन पानी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लाइन का पानी है। हाँ ये भाई गटर का पानी नहीं है, लाइन का पानी है। पीछे पूरा हेडक्वार्टर बना हुआ वाटर हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर 24 घंटे जो है ना लाइनों में पानी आता है। किसी के घर में मोटर नहीं लगी हुई, किसी के घर में टैंक नहीं बना हुआ, डायरेक्ट बस वो लाइन खोलते हैं और उनका जो है वो पानी आ जाता है। और बिजली यहाँ पर अच्छी है, ये अच्छा है। लेकिन ये इलाका मेरे ख्याल से पता नहीं तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये बहुत अंदर पड़ जाते हैं। तो लेकिन आने वाले वक्तों में Ya Allah, thanks to you. Oh Allah, you are the greatest. Oh Allah, thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. I can see a smile on every face. MashaAllah, today is Eid al-Fitr. MashaAllah, today is Eid al-Fitr. MashaAllah, today is the best. I woke up early for Fajr prayer to get myself ready for दिन। आप देख सकते हैं हमारे तमाम साथी जो है ना जो फार्म हाउस पे विजिट करने के लिए आए हैं वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये कोई फार्म हाउस का सिलसिला है, अंदर जाके पता चलेगा क्या सीन है यहाँ पर। तो इतनी दूर नहीं था, हमारे घर से करीब ही था, लेकिन यार ऑफ रोडिंग बहुत था रास्ता जो है ना, और हरियाली आप चेक करें चारों साइड पर। यहाँ पर थल्ले वगैरह हैं पठानों के, पठान हर जगह बसे हुए हैं भाई। बिल्कुल जी, पठान दुनिया के हर कोने में घुसे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर भी आके होटल खोले हैं, इतनी अंदर कोई भी सन्नाटा नहीं। और इकबाल भाई यहाँ के कैसा लग रहा है? जी अच्छा है, खुला डुल्ला माहौल है, जरा अच्छा फील हो रहा है। छोटे छोटे रोड है, कराची की तो गलियां इतनी तंग हो गई हैं। ये सीन है भाई, ये चेक करें। अभी अभी हम लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं यार, चल के देखते हैं अंदर क्या सीन है। दरवाज़ा बंद कर देंगे भाई, हाँ बंद कर देंगे, मैं बंद कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ ये दरवाज़ा का है बंद। जी दरवाज़ा बंद कर, मैं उधर डेरा है भाई, मैं उधर डेरा ही है भाई। चलें चलें ऊपर, चलें ऊपर, बैठक बनाई हुई, ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं। हाँ भाई ये चेक करें, पीछे छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ ये देखें। और यहाँ पर जो है ना बाग बना हुआ बगीचा, इसमें काफ़ी किस्म के फल पौधे लगाए हुए, सामने पपीते लगे हुए। तो भाई ये सीन है, चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर, ये आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर बैठ के भी चिल कर रहे हैं, बातचात कर रहे हैं। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक निकाली जा रही है, ये चेक करें भाई, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अभी पार्क में अगर जाने का मौका मिला तो पार्क भी आपको दिखाएंगे। बड़ा अच्छा सेटअप करा हुआ है, पार्क वगैरह हर चीज का जो है खास जो है इंतजाम करा हुआ है। सीन है भाई, ये चेक करें आप, हम लोग थे फंटा के आश्रम में। लेकिन फंटा मिली नहीं, उसने कोक दे दी। तो मैंने बोला चलो दोनों कोक आधी आधी पीते हैं, फंटा आएगी फंटा पीएंगे। तो फंटा उसने दी, उसके बाद ड्यू दे दी, दोनों के साथ पॉपट हो गया।
अच्छा तो बहरहाल अभी हम लोग आए नीचे, अभी हम लोग अपने फार्म हाउस का विजिट कराते हैं आप लोग। ये जो है ये मेरे ख्याल से स्टोर रूम बनाया हुआ है जो यहाँ पर देखभाल करता है उस बंदे के लिए। और यहाँ पर जो बना हुआ है ये बना हुआ है बेडरूम, ये आप चेक करें, डबल बेड लगाया हुआ है और ये इसकी रूफ है माशाल्लाह से। वॉल चेक करें आप कितनी उतनी खूबसूरत है ये है भाई। अब हम लोग लेके चलते हैं आपको स्विमिंग पूल और गार्डन वाले सेक्शन में। चलें आप चलें नदी में अंदर चलें। तो ये चेक करें यहाँ पर ये मोटर वगैरह का सिस्टम है और ये बनाया हुआ है स्विमिंग पूल। आए हाय ये तो सारा ख़राब हुआ है, काई लगी हुई। हाँ असल में सर्दी का टाइम आ गया ना, इस वजह से कालोश इसके अंदर पड़ी हुई है, वरना गर्मी में तो इसमें अच्छा सेटअप होता है, यानी 4-5-6 बंदे जो है सुकून से इसके अंदर नहा सकते हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं ये गार्डन वाले सेक्शन में, दिखाते हैं आपको कि हमारे बगीचे में क्या क्या लगा हुआ है। हाँ भाई नदीम भाई आपको दिखाएंगे क्या क्या लगा हुआ है इनके बगीचे में। ये चेक करें भाई ये कौन से फूल है। अच्छा ये लिली का फूल है, ये देखें, ये आपने देखा होगा कितना खूबसूरत लग रहा है, लिली लिली फ्लावर। और ये आ चुके हैं हमारे रोज़ फ्लावर, ये चेक करें भाई कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। ये इनके बीज जल्दी से मिलते नहीं है ना। ये टमाटर लगा हुआ है। अच्छा ये टमाटर है, टमाटर दिखाएं भाई। ओ भाई ये चेक करें छोटे छोटे से टमाटर, अभी कच्चे हैं ये है ना जी। अच्छा भाई और क्या क्या लगा हुआ है इसमें। ये वाइट फ्लावर भी लगा हुआ है, ये देखें भाई वाइट फ्लावर। वो वहाँ पर एक और रेड रोज है। और ये मेरे ख्याल से ये चमेली है, ये चमेली लगी हुई। अच्छा और भाई ये जो है ना गांव के रहने वाले हैं, ये सब्जियों के पौधे ढूंढ रहे हैं क्योंकि मुझे तो पहचान नहीं है सब्जियों के पौधे किस तरह के होते, तो ये वही ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई सब्जी दिखे तो मैं आपको दिखाऊं। वही टमाटर के अलावा और कुछ है यहाँ पे। टमाटर तोरई की बेल है। अच्छा तुरई की, ये देखें भाई ये जो आपको नजर आ रही है तुरई की बेल है, तुराया भी जो है इसमें से निकल के। अच्छा अच्छा ये देखें ये है भाई तुरई, ये जो है इसमें से इस बेल में से निकली होगी और यहाँ तोड़ के रख दी तो ये सड़ चुकी है बिल्कुल, इसी की बेल है। और क्या क्या है भाई यहाँ पे और क्या नजर आ रहा है। आम वगैरह का पेड़ नहीं है, आम का। और देखते हैं आपको दिखाते हैं और हमें कुछ मिलता है तो। ये सामने लगे हुए ये क्या लगे हुए, तरबूज नहीं सॉरी पपीता लगा हुआ है ना सामने, ये पपीता भी आपको दिखाते हैं। ये देखें भाई पपीते चेक करें आप, ये देखें भाई सुभान अल्लाह अल्लाह की शान चेक करें। और ये मेरे ख्याल से प्याज है क्या, धनिया होगा भाई, ये देखें भाई हाँ, ये होगा भाई धनिया, ये देखें भाई हाँ। एक एक पपीते का एक पपीते का पेड़ वो लगा हुआ है। और बाकी ये सीन है भाई अच्छा बनाया माशाल्लाह से, वहाँ पर जो बैठिंग सिटिंग एरिया ऊपर बना हुआ है, नीचे बेडरूम बना हुआ है और ये सारा जो है ये फार्म हाउस बना हुआ है, सॉरी गार्डन बना हुआ है। तो भाई ये सीन था बहुत ज़बरदस्त है और ये आपको एक्सप्लोर करा दिया, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हमें यहीं असर का टाइम हो गया था, हम लोगों ने नमाज वमाज पढ़ ली, अभी हम लोग आए हैं एक होटल पे। ये होटल है भाई कोयटा अबासिन कैफे, और सारे बंदे चले गए वापस फार्म हाउस में, लेकिन हम लोग कुछ हैं जो चाय के तलब गा रहे हैं। हमें चाय की क्रेविंग हो रही थी तो हम लोगों ने यहाँ चाय बनवा ली है, पूरा होटल खाली है कोई भी नहीं, हम लोग बैठे हैं। ये भाई केक वेक का भी सीन है यहाँ पर, ये चाय भी है तो अभी ट्राई करते हैं आगे चाय कैसी है फिर आपको बता दें। 10-10 लाख का इधर इधर 6 लाख रुपए का इधर को मिल रहा है, वो आखिरी में 6 लाख रुपए को प्लाट तो अंदर पड़ जावे ना दादा। 10 लाख का होगा हिंदी 4500 में दिया गया भाई। ये था हमारा छोटा सा फार्म हाउस की मिनी सी वीडियो जो मैं आपको एक्सप्लोर करा सका। तो अभी दे अपने भाई को इजाज़त, वीडियो को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये पठान बच्चे देख रहे हैं कि हम बना क्या रहे हैं भाई तो भाई बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।